सो हे गाइस, दिस इज कल्पित शाह और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप STL के शॉर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं C++ प्रोग्राम में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शॉर्टिंग होती क्या है और उसको कैसे किया जाता है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक एरे है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स है और उसको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कुछ अपने शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करूँगा, जैसे कि बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट या मर्ज शॉर्ट। और उसको यूज़ करने के बाद मुझे मेरा शॉर्टेड एरे मिल जाएगा जो होगा कुछ ऐसा। लेकिन ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें मुझे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है, जिसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है O(n)2, और इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जो कोडशेफ का जो ऑनलाइन जज है वो हमारे सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमें TLE एरर देता है। TLE का मतलब होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड, और इसके वजह से हमारा रेटिंग भी कम हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने प्रोग्राम में नेस्टेड फॉर लूप के जगह पे शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करो। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने base.stdc++.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। इसके बजाय आप एल्गोरिदम हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरे को डिक्लेयर करना है, और अगर आपको अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आप ये फंक्शन लिखेंगे, और अगर आपको अपने एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आप ये फंक्शन लिखेंगे। इस शॉर्ट फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)log(n) है, और इसके लिए आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, और इसके वजह से कोडशेफ आपके सॉल्यूशन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में ये कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है bits.stdc++.h। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है मेरा, और इस एरे को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया है जिसमें मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं एरे का नेम और एरे का नेम प्लस उसका साइज। और अगर मुझे इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है शॉर्ट, और उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं एरे का नेम कॉमा एरे का नेम प्लस उसका साइज कॉमा ग्रेटर फंक्शन। ग्रेटर फंक्शन मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि ये उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो अनशॉर्टेड एरे था वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोडशेफ पे कैसे TLE एरर आता है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लंच टाइम कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन था IMDB नाम का, जिसके अंदर मुझे शॉर्टिंग का यूज़ करना पड़ा था। तो शॉर्टिंग यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने बबल शॉर्ट का यूज़ किया, लेकिन वो मेरा सबमिशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे TLE एरर मिल गया। TLE का मतलब होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। यहाँ पे मेरा टाइम कंस्ट्रेंट था 0.5 सेकंड, लेकिन यहाँ पे 0.51 सेकंड हो गया, इसलिए उसने मेरा सबमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी का कोड एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक शॉर्ट फंक्शन लिखा है बबल शॉर्ट को हटा के, और मेरा एग्जीक्यूशन टाइम हो चुका है 0.23 सेकंड, और कोड भी उसने 100% एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी तरह से आप अपने कोड को 100% एक्सेप्ट करवा सकते हो यूजिंग शॉर्ट फंक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।